हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशोर महान है। मैं चल स्टार आज आपके सामने एक और न्यूज़ लेके आया हूँ। ये न्यूज़ है आसिम रईस जो है उनके बारे में, जो कि बिग बॉस 13 के फिनाले में पहुँचे थे, लेकिन उनको ट्रॉफी नहीं मिली। उनकी वजह ही सिद्धार्थ शुक्ला को मिली ट्रॉफी। उन दोनों ने बहुत मेहनत की थी ये जीतने के लिए, और दोनों के बीच में बहुत सारा लड़ाई भी हुई थी। तो ये न्यूज़ आसिम के बारे में है, सिद्धार्थ के बारे में नहीं है। आसिम के बारे में जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ मेरे को दी है इनफोक यूट्यूब चैनल ने। ये जो भाई हैं, इनका नाम आलोक है, और ये यूट्यूब पे सिंगर्स की न्यूज़ देते हैं, जैसे हनी सिंह, गुरु रंधावा इनकी। और इनके एक वेबसाइट है इनफोक कर के ही नाम से, उस वेबसाइट पे ये बॉलीवुड की न्यूज़ भी डालते हैं और सिंगर्स की न्यूज़ भी डालते हैं। तो ये मैंने उस वेबसाइट पर देखा ये न्यूज़। तो ये न्यूज़ जो है ऐसी है कि जो आसिम रईस है वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ, उनको मौका मिला है एक एल्बम सॉन्ग करने के लिए, जिस एल्बम सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, यानी तीसरी आसिम रईस को पहली ही बार में इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी का सॉन्ग एल्बम करने को मिला है। तो तीसरी इस गाने को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो इस गाने को गाया है नेहा कक्कड़ ने गाया है, तनिष्क बख्शी ने म्यूजिक और लिरिक्स लिखे हैं। शायद लिरिक्स भी तनिष्क बख्शी के ही हैं मेरे हिसाब से, मेरे को पता नहीं है। म्यूजिक तनिष्क बख्शी ने दिया है, और जो ये गाना है फोक सॉन्ग आने वाला है, यानी लोकप्रिय संगीत होने वाला है, जैसे कि कथकली हो गया, फिर जैसे अलग अलग स्टेट में जैसे लोकप्रिय संगीत होता है, वैसे ये हिंदी का होने वाला है। और जो इस गाने की जो शूटिंग है वो बॉम्बे में जोरों शोरों से चल रही है। और आसिम रईस ने इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें वो एक डांस एकेडमी में कोरियोग्राफर्स उनको डांस सिखा रहे थे। और जैकलिन फर्नांडिस ने भी एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो भी रिहर्सल करते हुए नजर आई थी। और इस वो भी रिहर्सल करते हुए नजर आई थी और इस गाने की जो शूटिंग है बॉम्बे में जोरों शोरों से चल रही है। और ये जो गाना है मार्च के एंड तक रिलीज हो सकता है। अभी तो इस गाने के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है टी-सीरीज की तरफ से, लेकिन होने वाली है कुछ दिनों में। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इनफोक को, जिन्होंने ये न्यूज़ लोगों तक पहुँचाई है। इनके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाल रखा था इन्होंने, तो मैंने लिंक खोल के देखा तो ये न्यूज़ थी अंदर। तो आपको तो कैसा लगा, कि क्या लगता है कि आसिम रईस इस गाने में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जैकलिन फर्नांडिस के साथ? और जैकलिन फर्नांडिस तो है ही कमाल, और टी-सीरीज इतनी बड़ी कंपनी है, ये गाना चल पाएगा या नहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कि जल्दी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।